नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। देश में सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। अब खबर यह है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की तरफ से सुनीता केजरीवाल चुनाव प्रचार कर सकती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी भी तिहाड़ जेल में बंद है और ऐसी खबरें हैं कि ऐसे में सुनीता केजरीवाल गुजरात में चुनाव प्रचार की कमान संभाल सकती है। आपको बताए, आम आदमी पार्टी आज गुजरात चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर सकती है। ऐसी अटकले है कि स्टार प्रचारकों की सूची में सुनीता केजरीवाल का भी नाम हो सकता है और दिल्ली की तरह गुजरात में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। बहरहाल आपको बता दें, यह पहला मौका होगा जब सुनीता केजरीवाल पार्टी के किसी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ सकती है। आपको बताए, 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। अब इसके बाद उनके जेल जाने से पहले सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं नजर आती थी। हालांकि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सुनीता आप में कुछ सीमित भूमिका में नजर जरूर आई थी। आपको बताएं, वो पार्टी नेताओं के साथ साथ बैठक करती थी और इंडिया ब्लॉक के साथ भी कभी कभी बैठक में नजर आ चुकी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सुनीता केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास में कई वीडियो जारी किए और इन वीडियो में राष्ट्रीय झंडा और देश के वीर सेनानी नजर आ रहे हैं। अपने वीडियो के जरिए सुनीता केजरीवाल जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को मैसेज देती थी। और यहाँ आपको भी याद दिला दें कि साल 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान सुनीता केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल के लिए डोर टू डोर कैंपेन किया था। जी हाँ, जिसके बाद वो कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो भी राजनीति में आएंगे, लेकिन फिर से वो उसी तरीके से अस्थिर नजर आई। लेकिन अब फिर से वो एक्टिव मोड में नजर आ गई हैं। आपको बताएं, तब उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में कुछ दिनों पहले ही आयोजित एक रैली में सुनीता केजरीवाल मंच संभालती हुई भी नजर आई थी। यहाँ वो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बिल्कुल बगल में बैठी नजर आई और इस रैली में उन्होंने मंच से अरविंद केजरीवाल का वो मैसेज भी पढ़ा जब सीएम ने उसको अरविंद केजरीवाल ने जेल से दिल्ली की जनता के लिए भेजा था। वहीं आपको बता दें, गुजरात में आम आदमी पार्टी भरूच और भावनगर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। भरूच सीट पर चैतर बासवा को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं और कांग्रेस 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं भावनगर लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने उमेश भाई मकवाना को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब ऐसे में देखना होगा कि सुनीता केजरीवाल इस लोकसभा चुनाव में अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आते हैं तो क्या कुछ कमाल करके दिखा पाती है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से अब राजनीति में एक्टिव नजर आ रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल हो सकता है आने वाले चुनाव में कुछ अच्छा करके आए। और अगर अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं होती है तो सुनीता केजरीवाल दिल्ली की सीएम भी बनती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।